नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हाई कोर्ट के द्वारा इशू की गई हैं। दोस्तों, जीएसटी एक्ट में समन इशू करने की पावर होती है जीएसटी ऑफिसर के पास, यदि उसे लगता है कि किसी टैक्सपेयर से किसी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। लेकिन कितने टाइम समन इशू किए जा सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं फ्रेम किए गए हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, जिसका कि बहुत से जीएसटी ऑफिसर के द्वारा मिसयूज़ किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस केस में टैक्सपेयर को 20 टाइम से ज़्यादा जो है वो समन इशू किए गए ओरली और राइटिंग में। 2 साल के पीरियड में इस प्रकार टैक्सपेयर को जो है हरास किया जा रहा था। टैक्सपेयर का कहना था कि उसके कोई शो को नोटिस नहीं इशू किया गया है, ना ही उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी पेंडिंग है। लेकिन फिर भी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा बार बार जो है रिपीटेड समन इशू किए जा रहे हैं और इस प्रकार टैक्सपेयर को हरास किया जा रहा है और कोर्स किया जा रहा है कि वो डिपॉजिट कराए सब्सटेंशियल अमाउंट को जो कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा जीएसटी डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई कि वो रूल फ्रेम करेंगे कितने टाइम्स जीएसटी ऑफिसर के द्वारा समन इशू किए जा सकते हैं और किस पर्पज़ के लिए इशू किए जा सकते हैं। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यह जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यदि टैक्सपेयर को बार बार समन इशू करके बुलाया जाता है और उसे सब्सटेंशियल अमाउंट रिकवर करने की कोशिश की जाती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो आप इस केस में इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।